शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म डंकी से निकल कर आ रही है एक बड़ी अपडेट। जी हाँ, जिसे जानने के बाद आपकी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी फिल्म को देखने के लिए। आपको बता दें, फिल्म डंकी में शाहरुख खान आर्मी ऑफिसर के रोल में नजर आने वाले हैं और फिल्म में उनका किरदार जबरदस्त देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको फिल्म पठान की तरह सीटियां बजाने पर मजबूर कर देगा। फिल्म मैं हूं ना और जब तक है जान के बाद शाहरुख खान तीसरी बार फिल्म में आर्मी ऑफिसर के रोल में नजर आने वाले हैं। वही फिल्म की खास बात है इसकी डायरेक्शन, क्योंकि फिल्म को बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर में से एक राजकुमार हिरानी जी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने 3 इडियट्स और पीके जैसी मास्टरपीस फिल्में दी है। और अब राजकुमार हिरानी जी शाहरुख खान को एकदम नए किरदार में पेश करने वाले हैं। वही रिलीज किए गए फिल्म के अनाउंसमेंट टीजर में भी शाहरुख खान का टी शर्ट से लेकर पैंट का लुक एकदम आर्मी जैसा ही दिख रहा है। वही बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, तो फिल्म में हमें शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आने वाली है और इनके अलावा बोमन ईरानी भी फिल्म में नजर आने वाले हैं। बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे इंडिया के लोग इलीगल तरीके से दूसरे देशों में घुसते हैं, जिसको डंकी भी कहा जाता है। वही इस फिल्म में शाहरुख खान कई तरह के एडवेंचर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान का अंडर वाटर सीन भी देखने को मिल रहा है। बात करें फिल्म के रिलीज डेट की, तो फिल्म का शूट अब लगभग पूरा हो चुका है और इसी साल फिल्म 22 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी शाहरुख खान को आर्मी ऑफिसर के रोल में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।